परिवार वालों का रो रो कर बेहद बुरा हाल है। करंट से एक मजदूर की इस वक्त यहां पर मौत हो गई है। नमस्कार, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मुद्गल। इस वक्त हम मौजूद हैं बेगमपुर में। आपको बता दें ये सेक्टर 22 पड़ता है रोहिणी का। आप ऊपर ये दिखाएं, ये दूसरी मंजिला इमारत है जहां पर फर्नीचर की दुकान पर काम करने वाला एक मजदूर आया था। उसने अलमारी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, अलमारी ऊपर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वो अलमारी तार से टकरा जाती है और बिजली के तार से टकराने के बाद मौके पर ही जो कर्मचारी था, जो मजदूर था, उसको करंट लग जाता है। मौके पर ही पूरी बॉडी जल जाती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। आपको बता दें उनका शरीर इस वक्त पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यहाँ पर आप नीचे दिखाएं हम आपको, जो इनकी बालकनी थी, बालकनी का पूरे शीशे जितने हैं वो नीचे आकर के इस वक्त गिर गए हैं। और ऊपर आप दिखाएं जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बन गया है, परिवार वालों का रो रो कर बेहद बुरा हाल है। ये घटना आज ही 12 बजे हुई थी और 12 बजे यहाँ पर भगदड़ का एक पूरा माहौल बन गया था। उनके परिवार वाले कहें या पूरे मोहल्ले वाले कहें, वो इकट्ठे हो गए थे। और आपको बताएं पूरे में ये कांच गिरे हुए हैं। ये अपने आप में बयां करते हैं कि जो घटना हुई है वो कितनी बड़ी रही होगी। हालांकि बॉडी अभी तक किसी को दिखाई नहीं गई है, बॉडी की कोई तस्वीर इस वक्त सामने नहीं आई है, मगर परिवार वालों से बातचीत कर ये पता चल रहा है कि उनकी आधी बॉडी जल चुकी है। जिस तरीके का यहाँ पर माहौल है, ये माहौल अपने आप में बहुत सारी टेंशन इस वक्त खड़ा कर देता है। इसी के साथ कैमरामैन सुमित के साथ मैं हिमांशु, देखते रहिए झलको दिल्ली।